नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज मंगलवार के दिन हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, कैसे सीड का फरवरी वायदा देख रहे हैं कि 6536 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.1% की करेक्शन है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसे सीड 6500 के ऊपर दो दिन से सस्टेन तो है, लेकिन यहाँ से करेक्शन भी बन रही है और 6536 तक बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, और 6520 का भी लो लग चुका है सुबह के ही सत्र में। आपको क्या लगता है, क्या आज कैसे सीड में और ज़्यादा करेक्शन गहरा सकती है? क्या कैसे सीड का वायदा बाजार 6500 के नीचे लुढ़क सकता है फिर से? दे सकती है ना केवल कैस्टर में बल्कि सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर। आज ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सभी बाजार जो है वो करेक्शन के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैस्टर की जो रेंज आज इंट्राडे में 6480 से 6460 डाउनसाइड में जा सकते हैं, और ऊपर में 6580 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। ये से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं 3044 पर ट्रेड होता नजर आ रहा है, 3031 का लो लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये नीचे 3000 के भी नीचे लुढ़क सकता है? क्या 2800-2900 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं बिनौला खल के अंदर? देखिए, करेक्शन बिल्कुल गहराती हुई दिखाई दे रही है और ऊपरी स्तरों से दबाव भी बनता दिखाई दे रहा है, तो अभी और एक्सपायरी भी बेहद करीब है, इस वजह से प्रेशर जो है वो लगातार है और एक्सपेक्टेड है कि गिर सकता है मार्केट। अगर 3000 का स्तर टूटता है तो 2800 तक के स्तर नीचे में एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 3000 के आसपास, 3020 के आसपास एक सपोर्ट भी है। अगर वहां से बाउंस बैक आ गया तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज यहां से करेक्शन अगर बढ़ती है तो वो 2800 तक नीचे लुढ़क सकता है जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरे में हल्की सी करेक्शन बनती नज़र आई है। अब जो जीरा 20,500 तक जाता नज़र आया था, अब वही जीरा 20,100 के लेवल्स पर है। वहीं से धनिया को कुछ सपोर्ट मिलता नज़र आया है, धनिया 10,500 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है, लेकिन हल्दी में देख रहे हैं कि नई अराइवल्स के चलते दबाव बनता नज़र आ रहा है। हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 9,800 के लेवल्स पर है। आपको क्या लगता है, मसालों में आज इंट्राडे में कैसे रुझान रह सकता है? देखिए, इंट्राडे में मसालों में आज बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए और रुझान अभी काफी पॉजिटिव है। धनिया मुझे लगता है कि 10,800 तक आज इंट्राडे में रेंज दिखा सकता है, 10,800 से 11,000 की रेंज हो सकती है देखने को मिले। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में हल्की करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है, 19,800 तक हो सकता है नीचे में करेक्शन आती हुई दिखाई दे, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि वापस से तेजी में जा सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी 9800 के आसपास सपोर्ट ले सकती है, 9760-9800 के आसपास आज करेक्शन में है, इसके आसपास मार्केट में वापस से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि आज इंट्राडे में हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है, उस करेक्शन में अगेन बाइंग बनाकर चला जा सकता है जी। ये रूपा जी बात करें अगर हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देखने की ग्वार गम और ग्वार सीर की जो करेक्शन है वो थोड़ी सी और ज्यादा गहराई है। आपको क्या लगता है, क्या ये करेक्शन अभी थोड़ा और नीचे तक जा सकती है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में बिल्कुल गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली और दूसरा एक्सपायरी बेहद करीब है, इस वजह से हम सभी एग्री कमोडिटीज में उठापटक देख रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर सभी कमोडिटीज करेक्शन के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, और इसके चलते आज सभी कमोडिटीज के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर बना रह सकता है। ग्वार गम की बात करें तो नीचे में 10,800 तक एक बार बाजार जो है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सीड की बात करें तो सीड के अंदर भी आज 6020 तक की एक बार रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है, यानी कि आज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ग्वार के अंदर भी गिरावट की देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार का भाव कब तक बढ़ेगा? देखिए, ऑलरेडी मार्केट अपसाइड में है और प्राइसेस जो है काफी निचले स्तरों से काफी संभले हुए हैं और ऊपरी स्तरों पर बाजार सस्टेन कर रहा है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा तेजी अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से अगर तेजी बनती है तो 1001 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन वहीं आप ये देखकर चलिए कि ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं डिमांड का अहम रोल रहता है। इन प्राइसेस के ऊपर मार्केट में अगर डिमांड निकलती रही तो बाजारों में तेजी बनी रहेगी, और अगर जहां पर डिमांड रुक गई तो प्रेशर जो है वो बिकवाली का बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जो फिलहाल के लिए रेंज बनती दिखाई दे रही है ग्वार गम की वो 10,000 से 12,000 की रेंज है, इस रेंज के बीच में फिलहाल बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ समय में, और अभी एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के चलते आज गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कल को काफी शानदार बढ़त देखने को मिली थी,
हमने देखा था कि सोयाबीन जो कि काफी महीनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड करती नजर आ रही है, एक रेंज में देखने को मिली थी, नीचे में 6000 और ऊपर में 6500, वही सोयाबीन कल 6600 के भी पार निकलती नजर आई थी। सोयाबीन में 3% का ऊपरी सर्किट भी लगा था काफी दिनों के बाद। ऐसे में आपको क्या लगता है, यूएस सोयाबीन वायदा जो $1570 के आसपास है और वायदा में अब घरेलू वायदा में भी 6600 का लेवल टूट चुका है सोयाबीन का, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ से अब सोयाबीन में बढ़त का दौर जारी हो गया है? देखिए सोयाबीन में फंडामेंटल तो सपोर्ट था ही और विदेशी बाजार भी काफी अर्से से तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मांग निकली है और बाजारों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ट्रेंड तो पॉजिटिव है और अभी जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्राइजेस जो है वो ठंडे रह सकते हैं, उसमें तेजी फिलहाल कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ सकती है। तो अभी लगातार बाजारों में जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते सोयाबीन के जो है वो तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दी है और घरेलू मांग में भी हल्की बढ़ोतरी आती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं और अब यहां से हो सकता है कि बाजार पॉजिटिव ही रहे और तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे। जी ये से रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में आगे क्या लेवल हो सकते हैं? देखिए कॉटन फंडामेंटली देखा जाए तो काफी सपोर्टिव है और हल्की फुल्की करेक्शन के साथ अभी भी बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू वायदा में भी अगर हम देखें तो आज भी 37,000 के ऊपर तो अभी भी मार्केट बना हुआ है, लेकिन वही है कि ये तेजी अब हो सकता है कि यहाँ पर थमती हुई दिखाई दे, क्योंकि अभी बाजारों में खरीदारी इन स्तरों पर देखने को नहीं मिल रही है, काफी माल जो है लोगों ने रोका भी हुआ है, इन स्तरों पर फिलहाल निकालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे दबाव जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। अगर हम फंडामेंटल पर नजर दौड़ाएं, जिस तरीके से प्रोडक्शन की खबरें निकल कर आ रही हैं तो वो काफी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कीमतें तेजी के साथ हैं और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कपास जो है वो 10,000 के भी पार निकल चुका है, कुछ एक मंडियों में 10,000 के ऊपर भी कपास के भाव आ जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी फिलहाल जो लेवल है वो यही लेवल बना रह सकता है 9800 से 9500 डाउनसाइड में हाजिर मंडियों में, और ऊपर में 10,000, 10,100, 10,200 तक की रेंज फिलहाल बनी रह सकती है, इससे ज्यादा अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ये जरूर जी बात करें अगर हम गार्लिक की, लहसुन की, तो देख रहे हैं कि मंडियों में लहसुन का जो भाव है अब वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हुआ है, कुछ डिमांड हल्की सी निकली है। आपको क्या लगता है, जैसे आगे अब होली है, रमज़ान का महीना है तो, और अब सर्दियां भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या अब लहसुन की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो थोड़ी निकल सकती है? देखिए अभी फिलहाल छुटमुट खरीदारी जरूर लहसुन के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फिलहाल इसके अंदर तेजी दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से बाजार जो है एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को और सीपीओ को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ दोनों में क्या करके चला जाए? देखिए अभी तो फिलहाल बाजारों में तेजी का एक रुझान जरूर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, सोयाबीन उठ सकता है और उसके चलते थोड़ा बहुत बाजारों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है एडिबल ऑयल पैक के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर करेक्शन आती है तो वहां पर एक बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। जी इसी रूप जी बात करें अगर चीनी की, शुगर की, तो खबर निकल के सामने आई है कि भारत ने चीनी के निर्यात सौदे साइन किए हैं, लगभग 4.6 मिलियन टन का है शुगर का जो डील साइन हुई है 2021-22 के लिए। ऐसे में आपका क्या मानना है, ऐसे एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या जो चीनी की कीमतें हैं उनमें बढ़त देखने को मिलेगी घरेलू स्तर पर? देखिए बिल्कुल कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है कि आगे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट डिमांड अगर निकलती है तो प्राइसेस को एक बूस्टअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। हमने शुगर स्टॉक्स के अंदर भी तेजी आते हुए देखी है कल के कारोबारी सत्र में, तो अभी थोड़ा सा शुगर मार्केट जो है वो उठता हुआ दिखाई दे सकता है और प्राइसेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगे आज के लिए आप, जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में अभी प्रेशर है तो आज एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो आज बिकवाली का मंजर देखने को मिल सकता है और सभी कमोडिटीज में गिरावट के साथ ट्रेडिंग होते हुए नजर आ सकती है, तो आज बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ग्वार में आज बिकवाली करके चला जा सकता है, वही मुझे लगता है कि आज कैस्टर्ड में भी बिकवाली करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।